एफ ऑफ एक्स आपने किस दे है? निकालना नहीं ये रखा है एक्स इंटू स्क् रूट ऑफ यहाँ से आपने के एक्स और माइनस टाइम क्या एफ ऑफ एक्स के बराबर अगर आप गौर से देखते हो तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात करें इंक्रीजिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एफ डायस एक्स बताइए स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर ठीक है और प्लस टाइम्स ये तो आपने कहा स्क्वायर आप जो डिफरेंस होता है वन इसका रूट एक्स के बराबर होता है बराबर जब ये आपने कहा इसके बराबर होता है तो इस पूरे को आपने कहा समझिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दे रखा है तो यहां से आपने कहा ऊपर तो ये एक्स एजेटिज हो जाएंगे इसका डिफरेंस यह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टाइम स्क् और यहां से आपने आ जाएंगे टू के बराबर बराबर अब आपके पास क्या कीजिए अंदर वाले को डिफ्रेंसिएट कीजिए जैसी अंदर वाले को डिफ्रेंशियट कीजिएगा तो k और minus times 2X के बराबर ये और किसी कोई एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए इसको थोड़े से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो F -X आपने किस पर आ जाएंगे तो के एक्स और माइनस टाइम्स एक्स स्क् क्योंकि आपने कहा सॉल्व कीजिएगा तो आपने कहा आ जाएंगे लेकिन आपने कहा बाहर में टू भी तो बैठा हुआ है क्योंकि आपने कहा एलियम लीजिएगा तो आपने कहा जाएंगे

kx माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर ये अब निगस क्या है तो एफ डैस एक्स के बराबर आ गया जब अब निगस एफ डैस एक्स आ गया और ये जो फंक्शन है आपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ डैस एक्स इंक्रीजिंग है एफ डैस एक्स जो है अब निगस क्या है इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंग्स तो टू कहां से कहां तक तो?

ऐसे सॉल्व तो क्या चाहिए चाहिए पॉजिटिव होने से और 4X2 और अपॉन में किसके जाएंगे तो of KX और अब यहाँ पर अपने थोड़े बहुत के बारे में आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपने कहा कैलकुलस है अगर आप गौर से तो ये ऑलवेज पॉजिटिव

तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये अपनी तो आ, तो आ जाएंगे तो एक्स इन टू फोर एक्स और माइनस टाइम्स थ्री के और ये आ गया अपने लेस देन इक्वल टू जीरो क्यों लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया क्योंकि हम माइनस साइन को इधर डिवाइड कर दिए ये अपने आ गया इसको क्या कीजिए वेबी मेथड से सॉल्व कर लीजिए जैसे ही वे मेथड से सॉल्व कीजिएगा इसके क्रिटिकल पॉइंट अपने एक तो जीरो आ जाएंगे एक अपने इसको इधर ले जाएगा तो ये अपने किस बराबर थ्री के और अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे तो फोर के बराबर

अब अपनी रिलेट करेंगे तो यहाँ से बाई फोर ग्रेटर थ्री के बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए ग्रेटर का जो मिनिमम वैल्यू आ जाएंगे वो अपने कहा किसके बराबर जाएंगे तो यहाँ से आपने कहा के मिनिमम बताइए के मिनिमम आपने कहा के फोर से छोटा होनी चाहिए फोर से बड़ा होनी चाहिए तो के आपने के साथ सबसे छोटा वैल्यू अपने कहा चार आ जाएंगे और यही आपने कहा किसके बराबर दे रखा है एम के बराबर एम इक्वल टू आपने किस पर आ गया फोर के बराबर जब स्मॉल एम अपने के बराबर आ गया अब अपने कैपिटल एम चाहिए तो कपिटल एम निकलेंगे कहां से तो यहाँ पे आपने कहा क्वेश्चन में क्या रहा है है कि ये ये जो कराएगी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप इसी इससे मैक्सिमम वैल्यू पे आपने कहा मैक्सिमम वैल्यू देगा तो एफ ऑफ थ्री बताइए थ्री जैसे ही आपने कहा लिखेंगे तो ये अपने थ्री इंटू यह अपने मैक्मम आपने के पास वैल्यू पे पे ये मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू दे देगा तो थ्री इंटू अपने थ्री के बराबर और माइनस से नाइन के बराबर से सॉल्व किया था इंटू के का वैल्यू k ही एम के बराबर है ठीक है और एम अपने नौ चार तेरह नौ पांच किसके बराबर जाएंगे नौ तीन बारह तीन के बराबर तो थ्री स्क्वायर के बराबर एम तो इसके बराबर हो गया और स्मॉल एम बराबर हो गया स्मॉल एम अपने के बराबर हो गया तो स्मॉल एम आपने यस के बराबर कैपिटल एम थ्री रूट थ्री के बराबर तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है तो थ्री कॉमा थ्री रूट थ्री ये आपने क्या ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ठीक है ऑर्डर पेयर निकालना था ऑर्डर पेयर आपने क्या कौन से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बराबर सी होंगे या कुछ और होंगे अच्छा एम

आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहे तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एंड गुड बाय